का कर्म उसकी समझ से निकलता है. He understands and from that understanding his actions arise. And then there is no question of lack of concentration. There is no question of time management. Whereas a slave acts according to the influences on him or her. उसके ऊपर समाज के परिवार के बाहरी शक्तियों के क्या प्रभाव है वो उसके मुताबिक काम करता है. इसी कारण वो कुछ भी पूर्णता से नहीं कर सकता, उसे कुछ भी करने में आनंद नहीं आता, वो कहीं भी पहुंच नहीं पाता. अगर आज हम पाते हैं, लिखिए, एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम एंजॉयमेंट. अगर आज हम ये पाते हैं कि हम न सिर्फ एकेडमिकली मीडियोकर हैं, हमें ज्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ईमानदारी की बात की जाए हम सब वही जो हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड है 50% से 75% के बीच का है, 10वीं 12वीं यूनिवर्सिटी ऐसे ही है, 50 से 75 का इससे ज्यादा रेंज है उसी में है हम सब. तो एकेडमिकली हम मीडियोकर से हैं, इतने बुरे भी नहीं है कि फेल ही फेल होते रहे हों, और इतने अच्छे भी नहीं हो कि एक्सीलेंस मिल गई है. इसी को मीडियोक्रिटी कहते हैं. बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से स्पोर्ट्स में ले लीजिए, तो वहां भी हम मीडियोकर हैं. मैं बिल्कुल समझता हूँ कोई ऐसा नहीं बैठा हो जिसके पास स्टेट लेवल या इस तरह का कुछ हो, होगा भी तो 150 में कोई 2 जने होंगे हद से हद. कल्चरली भी हमने कुछ ऐसा कभी नहीं कर लिया, डांस, ड्रामा, थिएटर, डिक्लेमेशन कुछ भी नहीं. लेखन में भी हमने कभी कोई तीर नहीं चला लिया, वहां भी एक्सीलेंस हमें हाथ नहीं लगी है. कारण क्या है? कारण ये है कि एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम एंजॉयमेंट, और एक स्लेव कभी वर्तमान को एंजॉय नहीं करता. वो जो भी कर रहा होता है उसे वो मजबूरी के कारण कर रहा होता है, किसी और की इच्छा स्वरूप कर रहा होता है. ना वो एंजॉय करता है, ना वो एक्सेल कर पाता है. सिर्फ वही एक्सीलेंट हो सकता है जो अपना मालिक हो, जो वो कर रहा हो, जो करने में उसे आनंद आता है. और आनंद तब आएगा जब आप वो कर रहे हो जब आप जो आपकी समझ से निकला हो. क्योंकि हम समझते नहीं है इसीलिए हम एक बड़ी उदास सी जिंदगी बिताते हैं जो दूसरों के इशारों पर नाचती है, जाने या अनजाने, consciously या unconsciously, पर उसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता. मूल स्थिति वो है, उस स्थिति का एक सिम्टम है, एक लक्षण है lack of time management. Time management को वर्षा की समस्या मत समझना, वो सिर्फ एक लक्षण है. वो एक लक्षण है कि कोई गहरी बीमारी है अंतस में, कोई गहरी बीमारी बैठी हुई है. और वो गहरी बीमारी यही है कि मैं जीवन को जान नहीं रही हूं, बस जिए जा रही हूं. वही हम सबकी कहानी है. फिर उसके ये सब छोटे छोटे लक्षण पैदा होते हैं. उसके लक्षण आपको बता देता हूं. अगर आप पाए कि आप दिन में अक्सर बोर्ड रहते हैं, पहला लक्षण. अगर आप पाए कि खुशी, वास्तविक जॉय आपसे दूर दूर रहता है. अगर आप पाए कि आप किसी भी काम में एक्सीलेंट नहीं है. अगर आप पाए कि आपके मन में अक्सर एक डर या खौफ की भावना रहती है, तो इस सब का अर्थ यही है कि आप जीवन को बिना समझे जिए जा रहे हैं. ये सब लक्षण है, ये अपने आप में कोई बीमारियां नहीं है, ये लक्षण है. मूल बीमारी सदा एक होती है, जीवन को न जानना. और जानते हम क्यों नहीं है, उसका भी कारण बड़ा हास्यास्पद है. हम जानते इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जानकारी उधार ले ली है. जिसने पहले ही ये मान लिया कि मैं जानता हूं, वो कैसे जान पाएगा? बचपन से ही आपको जीवन के बारे में जानकारी उधार दे दी गई है. माँ बाप, समाज, परिवार, शिक्षा, मीडिया, कॉर्पोरेशंस, धर्म, फिलोसफी, इन सब ने आपके मन में जीवन का चित्र खींच दिया है. जिस कारण आपको ये भ्रम हो गया है कि जीवन क्या है वो हम जानते हैं. आप कहेंगे जीवन क्या है? जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जीवन क्या है? जीवन बड़ों को आदर देना है. और जीवन क्या है? जीवन अपने दायित्वों का पालन करना है. और जीवन क्या है? जीवन अच्छा नागरिक बनना है. और जीवन क्या है? जीवन सच्चरित्र होना है. और जीवन क्या है? जीवन सुशीलता है.
और जीवन क्या है? जीवन कड़ा श्रम है। आपने जीवन के बारे में ये सब धारणाएं उभार ले दी है। ये सब आपको बचपन से पढ़ाया गया और आपने बस हाँ ठीक है, बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप कभी कह सकते थे, छोटे थे, निर्भर थे उन पर, और जो आपको बता रहे थे उनकी भी गलती है, खुद नहीं जानते वो बेचारे, खुद नहीं जानते, अंधे दूसरों को राह दिखा रहे हैं और वो आपको बताते गए और आप जीवन के बारे में ये सब धारणाएं अपने मन में पालते गए। नतीजा ये है कि जो जीवन स्पष्ट है, सामने है, आप उसको भी नहीं देख पाते। बस एक दिन लगाइए, एक दिन और सुबह से शाम तक अपने जीवन में ध्यान दीजिए, आपको दिख जाएगा जीवन क्या है। उसके बाद ये सारी बातें सब समझ में आ जाएंगी और उसके बाद उन सब बातों की बेवकूफी भी दिखाई दे जाएगी जो हम मन में पाले बैठे रहते हैं। बात नहीं समझ में आ रही? जीवन की बहुत दूर की चीज तो नहीं जो जाके समझनी है। जीवन का तो वही जो अभी हो रहा है इसी समय, पर हम इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि दोस्त बहुत प्यारी चीज होती है और दोस्त का अर्थ है वो जो जब लेक्चर चल रहा हो तो हमें डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करे। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम कठपुतली मात्र हो, ये तुम्हारी परवरिश बोल रही है जिसने तुम्हें सिखाया है। तुम मूवीज देखने जाते हो, उसमें तुम्हें दिखाया जाता है कि जो हीरो है, ये कौन सी मूवी में होता है कि हीरो बड़ा मेधावी छात्र है जो ध्यान से सुन रहा है? हर मूवी में यही होता है कि हीरो जो है वो कॉलेज का गुंडा है जो कॉलेज में आता है इसलिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की तलाश है। तुम्हारे मन में धारणाएं बैठ गई हैं कि मैं स्मार्ट कब कहलाऊंगा जब मैं कॉलेज में आऊं और बिल्कुल कॉलर वॉलर ऐसे करके घूमूं और लड़कियों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाऊं। ये आए कैसा प्लान था और है क्या कैसा प्लान था वो सब जानते हैं। एक घुड़की दो तो वही तो बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पिक्चर ही ऐसी देखी है। ये सब जो मन की कंडीशनिंग होती है ना इन्हीं तक प्रभावों से होती है। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कहाँ उठ बैठ रहे हो, किस समाज से आए हो, क्या कहानियां तुम्हारे कान में पड़ रही है, क्या तुम अखबारों में पढ़ रहे हो, क्या तुम टीवी में देख रहे हो, इन्हीं सब से हमारे मन का निर्माण हो जाता है और हम सोचते हैं यही जीवन है और हम समझने की कोशिश भी नहीं करते कि अपनी दृष्टि से एक बार साफ साफ देखें तो कि क्या ये जीवन है। हम सोचते हैं हम मस्त हैं, अगर हम मस्त होते तो वैसे होते, एक आईना लेकर के अपनी शक्ल देखने की बस जरूरत है, बुझी हुई आंखें, डरे हुए चेहरे, ये एक आनंदपूर्ण जीवन की पहचान है। एक बार ऐसे ही एक जगह था तो एक बुजुर्ग मेरे साथ आए इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बड़े स्कूल से पोस्ट रहते हुए, खुद उनका सुखियाना अंदाज, बड़ी लंबी उनकी दाढ़ी, तो देखते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलते क्या चुसे हुए आम कैसी शक्ल बना रखी है, आम देखा चुसा हुआ, चुसा हुआ आम देखा जिसका सारा रस निचोड़ लिया गया हो, कैसी शक्ल। इतने निचोड़ लिया रस, कोई और नहीं उतर रही है। हमारी धारणाएं जिनको हम पवित्र मान के बैठे हुए हैं, ये तो मुझे मेरे परम पूज्य परिवार ने, समाज ने, धर्म ने, शिक्षा ने बताया है, या कि वो लोग जिनके बड़ी ताकत है, पावर है, मीडिया कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने बताया है, तो इसलिए ये सच होगा ही। उन सब बातों को हम मन में बैठाए हुए हैं। प्रश्न है सलमान का कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। पहली बात तो कितने लोगों का प्रश्न है, इतने लोग ही पाते हैं कि अक्सर जीवन में कुछ सोच रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब एक लहर आती है और हमें बहा के ले जाती है, फिर बाद में लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है? तो मतलब सिर्फ एक का नहीं, कम से कम 50 लोगों का प्रश्न है, ठीक है, सब ऐसे ही सुनेंगे जैसे उन्होंने ही पूछा। देखो डिस्ट्रैक्शन पे हमने जो बोला था ये पहले वाली बात, एक नहीं अनेक मालिक है हमारे, एक नहीं अनेक मालिक है हमारे, उसको ही अगर
ठीक से समझ लिया जाए तो डिस्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ ही यही है कि मैं एक काम करने निकलता हूं, कोई और प्रभाव आता है, वो मुझे उस काम से विमुख कर देता है। समझ रहे हो? अगर मैं अपना मालिक हूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो करने निकला हूं कोई आए और मुझे उससे खींच के कहीं और को ले जाए? ये नहीं हो सकता, पर ये होता है। होता इसलिए है क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं सलमान, हमें उसकी पूरी समझ ही नहीं होती, हम वो सिर्फ किसी और के इशारे पे कर रहे होते हैं। अगर तुम कोई काम बिल्कुल डूब के कर रहे होते हो, ध्यान में देना, कभी तो कुछ ऐसा करते होगे ना कि पूरी तरह से अपने लिए करते होगे, आनंद में खेलते होगे। मान लो कितने लोग हैं जिनको खेलना अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ, क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ भी। जब तुम खेल रहे हो और पूरी तरीके से खेल में डूबे हुए हो, ठीक है, मान लो एक मैदान है, उसे पूरी तरह खेल में डूबे हुए हो और मैदान के बगल में रोड जाती है और रोड पे भैंसे घूम रही है और घा घा कर रहे हैं, तो कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? सुनाई भी पड़ता है क्या? सुनाई भी पड़ता है। दूसरा सवाल, 8 से 5 तक कॉलेज में रहते हो मान लो और 5 से 6 फुटबॉल खेल रहे हो, वास्तव में एनर्जी किस प्रोसेस में ज्यादा लगती है? उस 10 घंटे के प्रोसेस जब कॉलेज में हो या उस 1 घंटे में जब खेल रहे हो फुटबॉल? जब खेल रहे हो तब ज्यादा एनर्जी खर्च करते हो, पर क्या थकान अनुभव होती है? क्या बोलते हो कि अरे थकान बहुत हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, बीच में दर्द उठा, या खेलते खेलते अचानक देखा है कि फुटबॉल लेके तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, सामने गोले रुक गए, क्यों? खुजली हुई डिस्ट्रैक्ट। ऐसा हुआ कभी? पर अभी क्लास में बैठे हो तो अपने भी खुजली कर रहे हो, पड़ोसी के भी खुजला। ठीक है, ये कहां से आ गया डिस्ट्रैक्शन? मन पे ध्यान दो, अपने अपना ही जीवन है, मुझे नहीं खुजली हो रही, अपने जीवन पे ध्यान दो। ये डिस्ट्रैक्शन कहां से आया सलमान? ये डिस्ट्रैक्शन यहां से आया कि तुम जो कर रहे हो उसमें पूर्णता में नहीं हो। जब गोल करने जा रहे हो ना तो सिर्फ गोल है, तो इसलिए खुजली हो, चाहे पाँव में खून भी निकल रहा हो। खेलते समय कभी ऐसा हुआ है चोट लग गई है, बाद में पता चला कि अरे चोट लग गई? ऐसा भी होता है कि खून तक निकल आता है और ध्यान नहीं देता आदमी, बाद में जाता तो लगता है अरे यार हमने छिल गई, होता है कि नहीं होता है? तब क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट होते जबकि खून निकल आया है? और अभी किसी एक के खून निकला तो पूरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, खून नकली हो गया। और बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके यहाँ वहाँ तमाम खरोंच लगी है, खून निकल रहा है, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जीवन जीने का एक तरीका है। जब तुम खेल रहे हो ना, वो जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें आनंद है, उल्लास है, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उतरे हुए, डूबे हुए हो। अगर पूरा जीवन ही ऐसा बिता सको जिसमें वर्क प्ले बन जाए, अगर जीवन ही ऐसा बीत सके जिसमें वर्क प्ले बन जाए, then life becomes playful and then there are no distractions, then life becomes playful। तब आप जीवन जीते नहीं, तब आप जीवन को ढोते नहीं हो, तब आप जीवन के साथ खेलते हो। क्या करते हो? खेलते हो। इसका ये नहीं मतलब है कि जीवन बर्बाद कर लेते हो, खेलने का मतलब वो नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो, ये सब मूर्ता की बातें हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। नवाब वास्तव में वही बनते हैं जो जीवन के साथ खेलना जानते हैं, और आज तक वही बने हैं जिन्होंने जीवन को बहुत सीरियसली नहीं लिया है, जिन्होंने जीवन को आनंद समझा है, क्रीड़ा समझा है, वही है जिन्होंने जीवन में वास्तव में कुछ पाया भी है, चाहे साइंस में, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे धर्म में, ज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है?